So good morning again. This is Dr. Rahul Manchanda from Pushpawati Singhania Research Institute Hospital. I'm a gynecological endoscopic surgeon, and we are based at this wonderful super specialty, multi-specialty hospital in New Delhi, where most of the super specialties are practiced. We come today from the gynae department bringing you a very important topic, jo hai painful periods and its association with infertility. When should we start to worry? When should we start to go to our doctor to diagnose and of course treat it? This is something which happens to most ladies who have periods, generally after the stage where they start having periods. That's when problems arise, though they can arise even before. The periods, if painful, when we speak to our friends, we speak to our elders, वो कहते हैं कि इसके बारे में कुछ ज़्यादा ध्यान दीजिए मत. मगर ये चीज़ नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 50% से ज़्यादा लोग हैं जो पेन किलर्स लेते हैं पीरियड्स के लिए, उनमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है. खासकर अगर इन्फेक्शन हो सकती है, उसमें पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती हैं. एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि पाया जाता है, उसको हम एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, जिसमें ब्लीडिंग आपकी अंदर हो रही होती है जब आप बाहर ब्लीडिंग कर रहे होते हैं. तो अगर वो अंदर हो रही होती है, उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, तो सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और वो इनफर्टिलिटी हमें, या बांझपन या बच्चा ना होने में प्रॉब्लम, ये कॉज कर सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हम पहले डायग्नोज करें तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. अगर लेट हो जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है. तो इसीलिए अगर पेन हो आपके पीरियड्स में, तो आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर जाके मिलें. एक और प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं. ये नई चीज है जो मैंने देखी है अपने प्रैक्टिस में, कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ भी हम पेन हो सकता है हमें पीरियड्स में. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवरीज को ट्रीट करें तो वो सिंपल ट्रीटमेंट होता है उसका. आप खासकर डाइट में, या आप उसको एक्सरसाइज करके कंट्रोल में रख सकते हैं. और उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एग्स बनते नहीं हैं या रिलीज नहीं होते हैं ओवरी से. और छोटी चीजों करने के करके अगर हम इसको मैनेज करें तो एग्स रिलीज होते हैं और वो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमारी ट्रीट हो सकती है. सो मोस्टली डाइट से या एक्सरसाइज से, वेट कंट्रोल करने पे पॉलीसिस्टिक ओवरीज हमारी ट्रीट हो सकती हैं. अगर उससे ना हो तो हमें फिर मेडिसिन लेने की जरूरत होती है. हम लोग मैनेज करते हैं मिनिमली इन्वेजिव गायनेकोलॉजिकल डिपार्टमेंट पीएसआरआई हॉस्पिटल में. तो मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी कैसे इसमें हेल्प कर सकती है? पॉलीसिस्टिक ओवरीज में लास्ट स्टेज पे अगर ये मेडिसिन से और ट्रीटमेंट से नहीं हो, बेसिक लाइफस्टाइल कंट्रोल से, तो फिर उसको डायग्नोज करने के लिए और ट्रीट करने के लिए हम लोग लैप्रोस्कोपी करते हैं. जो दूरबीन प्रणाली होती है उसको डालते हैं और उससे हम इसका इलाज करते हैं. जैसे मैंने एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बात की, जब ब्लीडिंग अंदर हो रही होती है, इसका डायग्नोसिस भी दूरबीन से होता है. और उसको अगर हम जल्दी पकड़ लें तो इसका हम क्योर कर सकते हैं, जितनी जल्दी हम पकड़ें, नहीं तो इसका क्योर करना बहुत मुश्किल होता है. तो इनफर्टिलिटी और पेनफुल पीरियड्स हाथ के हाथ, साइड बाय साइड चलते हैं, और उसका डायग्नोसिस करना और हेंस फिर इलाज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिंपल सी बात है, अगर इन्फेक्शन हो हमारा तो वो पीरियड में पेन कॉज कर सकता है. इसको हम ओपीडी में डायग्नोस कर सकते हैं, और डायग्नोस करके ट्रीट करें तो आगे के लिए काफी हमें फायदा होता है. एक हिस्ट्रोस्कोपी करके तकनीक है जो हम लाए हैं यहाँ पे, और जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो कि दूरबीन हम डालते हैं नीचे से बच्चेदानी में, उसको डायग्नोस करने के लिए, कि अगर इनफर्टिलिटी हो, बच्चा ना हो रहा हो, खासकर अगर हम IVF फेल हो जाता है हमारा, जो इनविट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है वो फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी हम नीचे से दूरबीन डाल के, पुराने जमाने में DNC होता था, अब हम हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं तो डायग्नोस कर सकते हैं. काफी सारी प्रॉब्लम्स हमें डायग्नोस हो जाती है, जो कि ट्रीट बहुत आसानी से हो जाता है, बिना ऑपरेशन के होता है, बिना किसी कट के होता है. तो अगेन
इन्फेक्शन की वजह से पेन हो सकता है, वही इन्फेक्शन अगर यूट्रस को अफेक्ट करता है तो ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं कि जिसमें हमें बच्चा होने में प्रॉब्लम हो सकती है, और वो हम डायग्नोस हिस्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं और उसका इलाज सिंपल से एंटीबायोटिक से ट्रीट कर सकते हैं, जो कि डायग्नोस हमारा हिस्ट्रोस्कोपी पे हो जाता है। सो दोनों चीजें हमारी साथ चलती हैं, इनफर्टिलिटी एज वेल एज पेनफुल पीरियड्स, और दोनों का इलाज करना हमारा इम्पोर्टेंट है, मगर पहले उसको डायग्नोस करना इम्पोर्टेंट है। अगर आपका पेनफुल पीरियड्स हो रहे हो और आपको रेगुलरली मेडिसिन लेना पड़ रहा हो उसके लिए जो पेन किलर्स हैं, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उसको डायग्नोस करके उसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये अगर हम ना करें तो आगे जाके प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं इनफर्टिलिटी की, और इसलिए इसको करना चाहिए। सो पेनफुल पीरियड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके छोटे बच्चे हो घर में जिनको अभी पीरियड स्टार्ट हो तो उनको भी आप बोलें कि अगर ज्यादा पेन हो रहा हो, मेडिसिन लेने पड़ रही हो, तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डायग्नोस करना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। सो आप इसका ध्यान रखें और अपने हेल्थ के लिए स्पेशली इसको डायग्नोस करके ट्रीट करें। हम लोग आपके पास आते रहेंगे कुछ ना कुछ हेल्थ टिप्स लेके PSRI हॉस्पिटल से। लास्ट टाइम हमने पैप्समेयर के बारे में बात की थी, एबनॉर्मल ब्लीडिंग के बारे में बात की थी, अगेन गॉन। सो वी मस्ट कीप मीटिंग आर डॉक्टर्स एटलीस्ट वंस अ ईयर, और अगर कुछ हमें प्रॉब्लम हो तो उनसे मिलें, डायग्नोस करें। वी विल बी बैक विद द नेक्स्ट हेल्थ टिप सून। डू राइट टू अस, डू टेल अस, डू मैसेज अस कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में हमसे बुलवाना चाहते हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करके आपके क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सो PSRI हॉस्पिटल से आज के दिन में आपसे विदा लेते हुए, नमस्कार करते हुए, थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू नेक्स्ट टाइम।